जिसका आईडीसी रेंज रिवोल्ट क्लेम कर रहा है वन। हेलो गाइस, तो यार फाइनली रिवोल्ट मोटर ने काफी सालों बाद एक और न्यू मॉडल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है भाई रिवोल्ट RV1। इसका एक और प्लस वाला वेरिएंट है जिसका नाम है RV1 प्लस। और भाई इन दोनों वेरिएंट का प्राइस जो रिवोल्ट ने रखा है ना वो काफी अफोर्डेबल है। RV1 का प्राइस है 75,000 ओनली एंड RV1 प्लस का प्राइस है 85,000 ओनली। हाँ गाइस, ये लॉन्चिंग प्राइस है, बाद में 10-15,000 बढ़ सकता है, फिर भी गाइस प्राइस बहुत जबरदस्त है। फुली कंपटीशन वाला माहौल क्रिएट हो गया यहाँ पे। वहाँ ओला रोस्टर हमें 75,000 में मिल रहा है, तो यहाँ पे रिवोल्ट ने भी अपना लॉन्च कर दिया 75,000 में RV1। गाइस यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में बात करते हैं ना तो रिवोल्ट जो है भाई वो टॉप सेलर में आता है। रिवोल्ट का RV 400 अब तक का जितना भी इलेक्ट्रिक बाइक्स आया है ना उन सब में टॉप सेलिंग बाइक है। और इसका रीजन पता है क्या है? रिवोल्ट का जो बाइक्स है ना वो एकदम भाई प्रैक्टिकल होता है। देखो भाई, इनका फंडा सिंपल है, इन्हें पता है कि ये रेंज ज्यादा दे नहीं पाएंगे और मीडियम रेंज में अगर कोई बाइक परचेस करेगा तो वो भाई सिटी राइडिंग के लिए ही करेगा। इसलिए इन्होंने सिटी राइडर्स को फोकस किया, हल्के फुल्के फीचर्स के साथ रिवोल्ट बाइक को बना दिया था और उनका ये प्लान भाई सक्सेसफुल भी हुआ। यार ये तो पुरानी बात हो गई, चलो अब ये जानते हैं ये जो नया बाइक 75,000 में हमें मिल रहा है इसमें क्या क्या फीचर्स मिलेगा, रेंज वगैरह क्या होगा, सब जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं बैटरी का। इनका जो RV1 है उसमें हमें देखने को मिल रहा है 2.2 किलोवाट का रिमूवेबल बैटरी पैक जिसका IDC रेंज रिवोल्ट क्लेम कर रहा है 100 किलोमीटर का। बट गाइस ऑन रोड ये आपको 75-80 का रेंज ही दे पाएगा अगर आप बहुत संभाल के नॉर्मल मूड में गाड़ी चलाओगे तो। और इनका जो RV1 प्लस वाला वेरिएंट है ना जिसका लॉन्चिंग प्राइस इन्होंने 85,000 रखा है, इस वाले वेरिएंट में हमें 3.24 किलोवाट आवर का रिमूवेबल बैटरी पैक मिल रहा है जिसका IDC रेंज रिवोल्ट क्लेम कर रहा है 160 किलोमीटर, जो कि यार एक अच्छा रेंज है, कोई खराब रेंज नहीं है क्योंकि ये ऑन रोड आपको पक्का 120 प्लस निकाल के दे सकता है। और अगर 85,000 में आपको रिवोल्ट जैसे ब्रांड की तरफ से एक बाइक मिल रहा है जो 120 किलोमीटर चल पाएगा नॉर्मल मूड में तो ये काफी अच्छी बात है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया गाइज, रिवोल्ट फोकस करता है सिटी राइडर्स को और आई थिंक सिटी के लिए 120 किलोमीटर एक ठीक ठाक रेंज है। हाँ, RV1 का रेंज मुझे थोड़ा कम लगा, बट गाइस इसमें एक अच्छी चीज ये है कि ये गाड़ी भाई आ रहा है फास्ट चार्जिंग के साथ। एज पर रिवोल्ट ये जो गाड़ी है 0-100 चार्ज होने में सिर्फ लगाता है 1.5 घंटा। मतलब समझ रहे हो, आपको रात भर बाइक को चार्ज में लगाने का झमेला ही नहीं है। अगर आप सुबह सवेरे उठ के भी गाड़ी को चार्ज में लगा देते हो तो आपके ऑफिस निकलने तक ये गाड़ी फुल चार्ज भी हो जाएगा, है ना अमेजिंग बात। इसके अलावा बाइक में आपको मिलेगा एक ऑनबोर्ड चार्जर स्पेस, मतलब आप अपने साथ चार्जर आराम से कैरी कर सकते हो। एक और खास बात, रिवोल्ट वाले बोल रहे हैं भाई कि इनका जो चेजिस है ना ये काफी मजबूत बनाया है इन्होंने, इसलिए इसका जो लोडिंग कैपेसिटी है वो है 250 kg, मतलब 125 kg का दो बंदा आराम से बाइक में जा सकता है। इसके अलावा गाड़ी में हमें फ्रंट एंड बैक दोनों में ही डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा है, डिजिटल LCD डिस्प्ले और भाई आर्टिफिशियल साउंड सिस्टम जो हमें रिवोल्ट RV 400 में ऑलरेडी देखने को मिल रहा था वही साउंड सिस्टम यहाँ भी हमें देखने को मिल सकता है। गाड़ी भाई बहुत प्रैक्टिकल है, कोई झमेला नहीं है गाड़ी में, फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, एक्स्ट्रा लॉन्ग सीट भी मिल रहा है गाड़ी में जो कि भाई पिलियन राइडर के लिए काफी कम्फर्टेबल होने वाला है। गाइस इस प्राइस रेंज में ना ये गाड़ी मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा है। बहुत जल्द इसका मैं ओला रोस्टर के साथ कंपैरिजन वीडियो लाऊंगा, वहां पे हम लोग एक एक चीज को पकड़ पकड़ के कंपेयर करेंगे। इसी के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको अपने स्टेट वाले इलेक्ट्रिक कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होना है तो कमेंट में लिखो ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। और रिवोल्ट का ये गाड़ी आपको कैसा लगा ये कमेंट कर जरूर बताना।